तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने हमसे क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी की ओर से एक बहुत बड़ा डिविडेंड दिया गया है, 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। मुझे नहीं पता इस डिविडेंड का कंपनी करती क्या, इससे अच्छा कंपनी नहीं देती, वो ज़्यादा बेहतर रहता। 1 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। इसलिए हम नंबर देख लेते हैं, टाटा लक्स में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था 35,136 करोड़ के आसपास, पिछले साल 30,018 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 37,836 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिले, वहाँ पर बोले तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते 23% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, वहाँ पर भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का टोटल इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28,865 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 24,629 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो इंटरेस्ट इनकम है वो 30,230 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। यहाँ पर भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है रेवेन्यू, 37,836 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो कंपनी के स्टैंडलोन रिजल्ट पे है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो अनुमान क्या था। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे 25,400 करोड़ के आसपास, पिछले साल 20,373 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 26,634 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन 1,049 करोड़ के आसपास, पिछले साल 308 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1,216 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात निकल के आ रही है कि कंपनी का प्रोविजन पिछले साल आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,493 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की थी, पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 5,371 करोड़ के लॉस में कंपनी थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 7,613 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। हालांकि पिछले साल कंपनी लॉस में इसलिए भी थी क्योंकि पिछले साल कंपनी को ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम में लॉस लगा था, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिली थी। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अभी भी कह सकते कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 21 रुपये के आसपास, पिछले साल 17 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 24 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं, एनपीए के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए एनपीए की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ग्रोस एनपीए 2.02 था, अभी देखें तो गिर के 1.43 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.58 के आसपास था। तो कंपनी का एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर सुधरता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 0.39 था, अभी देखें तो 0.31 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.36 के आसपास था। तो आप कह सकते हैं नेट एनपीए ग्रोथ एनपीए कंपनी का साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी के कंपेयर कर लेते हैं एक्सटर्नल रिजल्ट के साथ कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट को। तो देखिए कंपनी का टोटल इनकम 35,990 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया था, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था मात्र 32,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर कंपनी का टोटल इनकम आपको देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी ने प्रॉफिट कितना शो किया है, कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है 7,129 करोड़ का, जबकि मार्केट का अनुमान था 6,261 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के सारे चीज अच्छे देखने को मिले, बस एक ही जगह पे कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर है, वो है कंपनी का प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।